कुत्ता तो आप आपके चश्मे रेडी हो गए हैं और एक था कोई अलग जी आप बेटा ये नहीं है उसको बोलो बिना फोटो का हमने चश्मे दिए थे बनाने के लिए तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए वाले साहब को भी चश्मे से बनवाया वालदा का भी बनवाया और अभी पूरी फैमिली के जो है ना चश्मे हमने इनसे बनवाए और ताला शॉप मुझे तो बहुत अच्छी लगी और काफ़ी चीज़ें इनकी और इनके पास जो ग्लासेस वगैरह हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो शुभ हमारे चश्मे आ चुके हैं जी बिल्कुल आ गए हैं ये रहे चश्मे आपके। अच्छा इसमें हम क्या हमने कौन सा ग्लास लगवाया था? इसमें आपने लगवाए ग्लासेस फोटोग्रे ऑटोमेटिक ट्रांजिशन डे एंड नाइट खूबसूरत फ्रेम टाइटेनियम प्योर टाइटेनियम है जो एक ट्रस्टेबल ब्रांड है। शिवे हमारे पास तकरीबन हमने आपको 6 का ऑर्डर दिया था तो कितने रेडी हो गए? 1 तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे जो हमने आपको दे दिए हैं वालिद वाले जी जी और जो आपकी क्या नाम है 3 ये ऑलरेडी हो गए हैं और बाकी आपके 3 बाकी हैं जी जिसमें आपके बाकी हैं और बेटे के बाकी हैं बाकी सब ये रेडी हो चुके हैं। ये देखो फ्रेम माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त फ्रेम लगा है और खूबसूरत भी है और प्राइसिंग भी इनकी बड़ी मुनासिब है और चीज़ें बहुत ये मुझे आप बताएंगे कि हमें ये फ्रेम के साथ कितने का पड़ा? ये डिपेंड ऑन क्वालिटी है ये फ्रेम यानी विद डिस्काउंट यानी फ्रेम तीनों अलग अलग हैं जिनके सबके प्राइसेस अलग अलग हैं ये प्राइसेस इनकी आपकी आती हैं ऐसे जस्ट कॉस्ट प्राइस यानी जो है 350 to 400 450 है बट आपको विद डिस्काउंट 250 की पड़ा ये फ्रेम जी और विद लेंसेज जो इसमें लेंस लगे हैं क्वालिटीज लगी हैं विद हाई सिलेंडर पावर जो आपके हैं विद ऑटोमेटिक हैं फोटोक्रोमिक हैं विद एंटी ब्लू रेज हैं साथ में जबरदस्त और ये हैं इसकी प्राइस थोड़ा और कम में है क्वालिटी सब बेस्ट है बट इसमें टाइटेनियम देखें आप इसका देखें इसे टाइटेनियम क्या है जी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है जबरदस्त बेहतरीन है और सब में लेंस देखें और सब की क्वालिटीज देखें आप माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि अगर आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे तो एक वेट नहीं है इसका लो वेट है और अच्छे हैं बेहतरीन किस्म के इनके पास फ्रेम भी अवेलेबल है। मैं काफ़ी जगहों पे मैंने विजिट किया और चेक किया लेकिन आखिरकार मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे हमारे शेफ भाई मिले और इन्होंने बहुत कॉपरेट किया हमारे साथ। मेरी वालदा का चश्मा तो मैं सोच रहा था किससे बनवाऊँ क्या करूँ क्योंकि विजिट के ऊपर थी और उनको चेक कराना इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल नहीं थी तो शेफ मैंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया 350 का बनाया था हमने वो राइट ऑलमोस्ट और फ्रेम के साथ और ज़बरदस्त बहुत अच्छी प्राइस थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम आए हैं अपने चश्मे बनवाए थे बच्चों के लिए और बहुत अच्छी शॉप है अपना अर्बन स्ट्रीट के साथ आगे जाते हैं तो हमें नज़र आती है ताला के नाम से और यहाँ से जब हमने अपने ग्लासेस बनवाए तो बहुत सस्ते पड़े और मैंने तमाम पूरी फैमिली के बनवाए हैं तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। दूसरे कि हमने कहा कि जब इतना अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्राइसेस भी इनकी इकोनॉमिकल हैं क्यों ना हम आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को इसमें ये बेनिफिट ये होगा इंशाल्लाह। हमने इनसे बात की है कि हमें अभी मैं इनका इंटरव्यू लूँगा और इनसे पूछूँगा कि ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करेंगे और क्या हमारे चैनल से आने वाले कोई भी मेम्बर होगा जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा उसको क्या बेनिफिट ये देंगे। तो इन्होंने कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र किए हैं और यहाँ ख़ास तौर पे जद्दा में रहने वाले पाकिस्तानी इंडियंस जो लोग हैं जो भी कम्युनिटी है जिसके पास इतने वसाइल ना हो जो इंश्योरेंस अफोर्ड ना कर सके तो उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेंगे और आपको सस्ता चश्मा बना के देंगे। तो आए मिलते हैं मिस्टर शुएब से और अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई क्या चल सब खैरियत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी बताएं शुएब भाई आपसे चश्मा बनाया बहुत अमेजिंग आपने बहुत अच्छी जैसे हमें चश्मे फ्रेम वगैरह और क्वालिटी ग्लासेस की दी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड मैंने फील ये किया कि अगर ये फैसिलिटी हमें मिली है तो हर शख्स को मिले और मैंने देखा बहुत सारी लाइन में शॉप्स हैं जी जी। लेकिन आपकी शॉप में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक तो हम्बल बहुत हैं शेफ भाई बड़ा कोऑपरेटिव हैं और चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी करते हैं लोगों की टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं तो शेफ भाई थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि आप कब से यहाँ पे हैं ये शॉप कब स्टार्ट हुई।
सिंस ये शॉप तकरीबन ऑलमोस्ट 2007 या 2008 से होगी, मैं 2011 से हूँ शॉप पे अभी तक हूँ, माशाल्लाह यानी शॉप पुरानी है। और हमारी सबसे बड़ी पहली चीज़ प्रायोरिटी है कस्टमर सेटिस्फाइड होना, कस्टमर सेटिस्फाइड हमारी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि कस्टमर को वर्क आप अच्छा दें, डिस्काउंट दें, डिस्काउंट और क्वालिटीज हमारी सबसे पहली चीज़ है। वेरी गुड। हम ये नहीं कि बहुत से मार्केट में लेंसेज सस्ते से लेके महंगे भी हैं, लोगों ने रेट कम कर दिया एकदम और चीप क्वालिटी लगा दी, सही। तो कस्टमर एक ही बार आएगा, सेकंड टाइम ही आएगा। शुभे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा इस हवाले से, देखें बात आपने सही की कि डिस्काउंट भी मिले, अब आप ऐसी क्या चीज़ देंगे जो आपके 10 लाइन में जो शॉप्स हैं उससे हम आपकी तरफ आएं, क्यों अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? सबसे पहली चीज़ एक अच्छा डिस्काउंट देंगे और गुड क्वालिटी लेंसेज देंगे, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, लेंस ऑफ क्वालिटीज जो होती हैं वो सबसे मेन होती हैं। लेंसेज तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, महंगे मिल जाएंगे, बट क्वालिटीज आपको नहीं मिल पाएंगी जी। सबसे पहली चीज लेंसेज जो क्वालिटीज हैं, चीपर से लेके हाई क्वालिटीज हैं। चीपर में प्राइस चीप है लेकिन क्वालिटी चीप नहीं है। ठीक है, यानी उसमें भी हम कस्टमर की यानी बजट भी देखते हैं, कस्टमर किस बजट में ले सकता है, हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हाई क्वालिटीज लेंसेज। सही, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर को अच्छे लेंस प्रोवाइड कराएं एंड प्राइस जो हो लो बजट में, लो बजट जिनके पास बजट अबव होता है तो उनको हम बेस्ट क्वालिटीज प्रोवाइड कराते हैं और अच्छी जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। मार्केट में लेंसेज जो यानी प्राइस डबल और ट्रिपल हैं वो हम उनको कोशिश करते हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करने के लिए। सही, ये फ्रेम की क्वालिटीज भी मेन है। हम फ्रेम अभी तो ऑलरेडी जितने भी हैं ऑल ओवर किंगडम ले लें या ऑल ओवर वर्ल्ड ले लें, सारी फिर क्या नाम है फ्रेमेज जो आ रही हैं सब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग आती हैं। ब्रांड आप ले लें रेबैन का भी ले लें, कैरेरा भी ले लें, कोई ब्रांड इटली जर्मनी उनकी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग चाइना की ही है, मेड इन चाइना, बट क्वालिटीज डिपेंड करते हैं जो चीज मेन क्वालिटीज। क्वालिटीज चाइना में लो भी है अफ भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो होम ब्रांड भी हैं हाई ब्रांड भी हैं। होम ब्रांड में ये होता है कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ों को, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें गुड क्वालिटीज लाएं, जो एक बड़े ब्रांड में क्वालिटीज होती है सेम क्वालिटीज हम लो बजट में लाके। अच्छा, देखें बात बिल्कुल ठीक है, और ये भी आप शायद डिपेंड करता होगा कि जो परचेज करने वाला शख्स है, जो बाइंग कर रहा है, वो कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। उस फ्रेम के ऊपर जाके वो चीज़ उसमें जो ब्रांड होगा, लाजमी से डिफरेंट ब्रांड आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें अगर कोई सिमिलर ब्रांड अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता होगा तो अल्टरनेट ब्रांड्स आपके पास सेम स्टाइल ऑफ फ्रेम आपके पास अवेलेबल जी है। जी, उसमें भी लो क्वालिटीज यानी लो प्राइस में है। जी लो प्राइस में है। जी जी ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम जो लोग इंश्योरेंस जिनके पास नहीं है, मैं खास तौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो लोग इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लेबर तबका है, जो लोग मतलब उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो जाके एक पहले एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, फिर वो उसका टेस्ट करवाएं, टेस्ट करा के फिर वो लें और इंश्योरेंस कवरेज हो, तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि हम जद्दा में रहने वाले, क्यों खासतौर पे हम वी आर, हमारी शॉप जो है वो जद्दा में है, और जद्दा में जो जितने भी लेबर हैं किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हों तो वो आपके पास आएँ। तो आप मुझे ये एक बताएं कि लाजमी सी बात है मैं फ्रेम की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ग्लासेस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिडिल एवरेज फ्रेम और मिडिल एवरेज ग्लासेस अगर इनका कम्बिनेशन बनाया जाए तो उसमें दोनों नजरें एक करीब की होती है एक दूर की, जी जी। और अगर सिर्फ दूर की हो और एक करीब की हो तो इनकी प्राइसिंग में कितना फर्क होगा और क्या मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकेंगे, कितने का फ्रेम दे सकेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं किसी अनदर शॉप से कंपेयर नहीं करूंगा कि प्राइस, बट ये मान चले जो फ्रेम यानी बेस्ट क्वालिटी फ्रेम जो है हमारे यहाँ, जो हमारी शॉप पे ऑलरेडी 200-250 प्राइस हैं, वो मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग 150 करते हैं। अगर आपके थ्रू चैनल आते हैं तो हम उसमें क्या नाम है 50% डिस्काउंट देंगे। ग्रेट। अगर 250 फ्रेम है तो हम उसमें आपको डिस्काउंट ये देंगे कि 50% 125, कुछ ब्रांड ऐसे हैं उसमें 40% देंगे, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसमें अगर 50 अबव भी हो सकते हैं तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे देने के लिए। ग्रेट, आपके चैनल के थ्रू कोई भी आता है तो चलें, बहुत शुक्रिया, ग्रेट हो गया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं तो मैं इसमें शुएब भाई का नंबर अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी लोकेशन दे दूंगा, कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको
बताऊं कि ये लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। एक हम एक्सरसाइज करेंगे अभी शेबे के साथ कि इनकी जो एक्सपर्टीज, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है कि इनके पास एक और एक्सपर्टीज भी है कि ये टेक्निकली आंखों को बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग करते हैं। और इनका नंबर मैंने आपको बता दूं कि मैं इंश्योरेंस में डॉक्टर को दिखा के जो नंबर में लेके आया था, फिर इन्होंने जो उसकी टेस्टिंग की उसमें डॉक्टर फेल हो गया, लेकिन इनकी टेस्टिंग अच्छी थी जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो लाएं आपको चलते हैं वहां पे, दिखाते हैं कि टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। ले जी, अब हम पहुंच गए शेब भाई के ऑपरेशन थिएटर में, जहां पे आपको नजर आएगी तमाम इक्विपमेंट जो के बड़े अपडेटेड हैं। पहले ऐसा लगता था लास्ट टाइम कुछ एक मशीन जो सामने नजर आ रही है ना वो हैंग हुई हुई, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, पहले ऐसा नहीं था। ये मैनुअल छोटे छोटे ग्लासेस से आंखों में लगा के चेक करते थे। शेब भाई ने शायद ये नई परचेस की है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अभी जब टेस्टिंग करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए, तो पता चलेगा कि ये क्या नई फनकारी है। मशीनें बहुत अच्छी हैं, चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। जी, लाइक दिस, okay, done. शेब भाई, इस मशीन का क्या काम होता है? ये फ्रॉप्टर है जी, जिस तरह ट्रायल लेंस बनाए जाते हैं उसी तरह ये भी है। चेहरे को आग लगे आपका, जी बिल्कुल आप उसी तरफ रहें जी। एक आप वो बोथ लाइंस क्लियर दिख रही हैं? क्लियर। ओके, एंड द लास्ट वन क्लियर हैं? अभी क्लियर ज्यादा हो गई जी। अब इसमें देखें लास्ट टाइम, क्लियर। अच्छा, इसमें क्लियर ज्यादा दिख रही है, इसमें क्लियर दिख रही है आपको ज्यादा? इसमें बेस्ट है। ओके, और अभी कैसा है? अभी बेटर है या पहले बेटर था? पहले बेटर था। ओके, डन। नाउ लेफ्ट आई, अभी दिख रहा है आपको सब क्लियर? इसमें क्लियर होगा, इसमें थोड़े ब्लर होंगे, थोड़े ब्लर। अभी कैसे हैं? अभी बेटर हैं या ये बेटर हैं? ये बेटर है। ओके, ये बेटर है या ब्लर हो रहा है? ओके, इसमें बेटर दिख रहे हैं आपको? ओके, अभी आपको एवरीथिंग इज क्लियर होगा, ये लास्ट में पूरी क्लियर दिख रही है आपकी? ओके, ये किधर की हो रहे हैं? इधर है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन? यस, ये ओके 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 डन। दो दे रहे और भी नहीं, और प्रोवाइड कराएंगे जब गेस्ट आप लेने आएंगे तो एडवांटेज है इनके पास। थैंक यू, और ये आप थैंक यू, तुमने आज दोबारा इंशाल्लाह विद इन 3-4 डेज बहुत ज्यादा रहा बहुत ही थैंक यू अल्लाह हाफिज। देखिए आप जब आएंगे वो ये रास्ता आ रहा है अरबईन के साथ, यानी अरबईन से जब आप आ रहे होंगे इस तरह से, यानी तहलिया से आप आएंगे सफा की तरफ, और सफा की तरफ आने के टाइम पे राइट साइड पे पहला सिग्नल आएगा, उसको छोड़ देंगे। अगला सिग्नल जो आता है, जो सिग्नल एक्चुअली बंद है,
उससे आप राइट हो जाएंगे। राइट आएंगे तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे इस तरह से, ये है सामने करायो, उसके साथ साथ आप आते आएंगे और ये मफरू शाद है सामने, फिर उसके बाद आपको ये शॉप नजर आएगी ताला की। इस तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो मुल कुरा से आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आपको फिर अपने लेफ्ट साइड के ऊपर शोबरा नजर आएगा, शोबरा और ये ब्रायो। ये करने के बाद फिर आप इस तरफ आएंगे तो आपको राइट साइड पे फिर ये ताला नजर आएगी शॉप।